सीन मैंने शायद मैं ये ब्लॉग बनाया श्यामला ताल जहाँ पर फीलिंग दे सकता। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सीन मैंने शायद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाई थी। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बाई साइड में ये जो आपको रोड दिख रही होगी ये नेशनल हाईवे है। ये दिल्ली देहरादून जहाँ भी आपको जाना होगा तो ये मेन हाईवे है। और गाइस जो आपको मेरे दाहिने साइड में दिख रही रोड दिख रही है ये आपको श्यामला ताल ले जाएगी। तो गाइस आज हमारा प्लान है श्यामला ताल जाने का। तो गाइस बताते हैं कि वहाँ नैनीताल जैसा फीलिंग मिलती है, तो देखते हैं गाइस वहाँ जाके किस प्रकार की फीलिंग है और किस प्रकार की बोटिंग वहाँ चलती है। तो गाइस मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइस अभी चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं श्यामला ताल के आधे रास्ते पर और तो यहाँ से एक बढ़िया व्यू आ रहा था, आपको भी दिखा देता हूँ किस प्रकार के व्यू आ रहा है। जो आपको सामने दिख रहा है टनकपुर, पूरी टनकपुर आपको नजर आ रही होगी और शारदा नदी जो आपको नदी से दिखा रही है किस प्रकार का व्यू आ रहा है। इसके बाद हम चलेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं श्यामला ताल के थोड़ी सी दूरी पे है, यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पे होगा। और ये जो ऊपर को आपको रास्ता जाते हुए दिख रहा है ये विवेकानंद आश्रम की तरफ जाता है। एक आश्रम आपको मायावती आश्रम आपको पहली वाली वीडियो में मैंने दिखाया था, तो एक आश्रम यहाँ भी दिखता है। अगर आपको मौका मिलेगा तो अगली बार वहाँ की भी वीडियो में कवर करूँगा। तो गाइस अभी चलते हैं आगे की तरफ और आपको झील के पास पहुँच के बताते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं फाइनली श्यामला ताल। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार का ये श्यामला ताल का जो आपका व्यू आ रहा है। तो अगर आप ये पूरा व्यू देखेंगे तो एक प्रकार के आपको नैनीताल की यहाँ पर फीलिंग दे सकता है अगर आप आते हैं। और गाइस आपको यहाँ पर जो मेरे सामने देख रहे होंगे वहाँ पर आपको बोटें भी देखने को मिली होंगी। तो अभी हम उस जगह पर जाएंगे और बोटिंग भी करेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी बताएंगे किस प्रकार का एक्सपीरियंस है। और बाद में बीच में ये भी बताएंगे कितना गहरा है क्या है, आपको फिर बताते हैं। तो गाइस मिलते हैं अभी जहाँ पर बोट है वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं शुद्ध वातावरण होने के कारण बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको फीलिंग भी आएगी और जब आप इसमें बोटिंग करेंगे तो आपको एक प्रकार से मन थोड़ा शांत हो जाएगा। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं झील के पास। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था जो कोलीडेक झील आपको दिखाई थी उसी प्रकार का एक्सपीरियंस कुछ यहाँ भी है। तो सामने आपको बोटें भी नजर आ रही होंगी, उसमें हम आपको ले चलता हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर जैसा कि आप एरिया देख पा रहे हैं पीछे साइड पूरा बैठने के लिए है और सामने आपको बच्चे नहाते हुए भी दिख रहे होंगे। तो गाइस अगर आप गर्मियों के टाइम पे यहाँ आते हैं तो अगर जो आप यहाँ से आइसक्रीम वाली छतरी लगती है वो अगर अपने साथ लाते हैं तो आराम से बैठ के आप यहाँ तक शाम तक अपना टाइम आराम से निकाल सकते हैं। और वो जो पहले आपको व्यू दिखा रहा था जो आपको बिल्डिंग से दिखा रहा था पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, तो जो ये अर्थव्यवस्था यहाँ की अभी तक सही नहीं है, जो पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ से कुछ मेंटेनेंस इसका किया नहीं गया है उस हिसाब से थोड़ी इसका कंडीशन थोड़ी ख़राब है। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं बोटिंग करने, तो गाइस चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं बोट। तो गाइस अभी बैठने जाते हैं बोट पर और भाई हमारे साथ हैं, तो भाई से पूछते हैं किस प्रकार की ये बोट है। तो भाई थोड़ा सा बता दीजिए आप भी किस प्रकार की बोट यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं। पैडल नाव है, अभी डाली है। कितना टाइम हो गया इसको? 4 महीने हो गए डाली। तो गाइस इसको 4 महीने समथिंग हो गए, तो पैडल वाली बोट जैसे नैनीताल में यूज करते हैं वैसी बोट यहाँ यूज कर रहे हैं। तो गाइस आ जाओ बैठते हैं। तो गाइस अभी हम बैठ गए हैं बोट के ऊपर और ये पैडल बोट में बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है मुझे। तो आप भी आइए और वीडियो लास्ट तक देखिए। और हवा चल रही है बिल्कुल शुद्ध जो पहाड़ों में हवा चलती है। तो गाइस इसके अगर पेमेंट की बात करें तो 100 रुपये पर हेड है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको 100 रुपये में पर पर्सन आपको बोट मिल जाएगी, आपको खुद ही ऑपरेट करनी है और खुद ही चलानी है। तो यहाँ डूबने का भी उतना नहीं है, इतना गहरा है नहीं जैसा कि आपको बताया था मैंने कितना गहरा है करके। तो गाइस अभी चलेंगे कोने की तरफ और आपको बाहर निकल के फिर मिलते हैं वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस अभी हम बोटिंग करके बाहर आ गए हैं। तो गाइस एक प्रकार से कह सकते हैं कि फीलिंग बहुत ही बढ़िया है, जो कि नैनीताल वाली फीलिंग है सेम फीलिंग आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। थोड़ा सा वहाँ रेट थोड़ा हाई हो जाते हैं टूरिस्ट प्लेस की उससे, तो यहाँ नॉर्मल है तो थोड़ा प्राइस कम है। और जिलों में भी मैं गया था तो प्राइस वहाँ अराउंड में 150 समथिंग था, तो प्राइस यहाँ 100 रुपये समथिंग है।
तो प्राइस रेट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ अगर अपनी फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया जगह है, और आपको वातावरण भी बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस अभी आपको यहाँ जनता दिख नहीं रही होगी, तो बीच में क्या हुआ था कि ये जो बंद कर देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पानी जो पहले पानी लेवल जो यहाँ ऊपर तक था, यहाँ पर तक आप पत्थर देख रहे होंगे, साफ साफ नजर आ रहा है। तो अभी पानी लेवल थोड़ा घट गया है और यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ भी ज़्यादा हो गया था, इसके कारण ये बीच में बंद कर दिया गया था। तो इस हिसाब से यहाँ जनता अभी आ नहीं पा रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पर माहौल क्रिएट हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर जनता बढ़ती जाएगी। तो और आगे देखते हैं, आप जब अगली बार आएंगे तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो गाइस अभी चलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग वीडियो के साथ और भी नई जगह के साथ। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।